हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा रेडीमेड स्टाइल जो कम बहुत ही कंफर्टेबल होता है, उस तरह का ट्राउजर पैंट जो बनाऊंगी मैं सिर्फ दो मेजरमेंट से। और मैंने फैब्रिक जो है सिर्फ 1.5 मीटर का यहाँ पर यूज किया है। ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का फैब्रिक है और ये जो बड़े वाले पन्ने वाला जो आता है उसमें से मैंने ये इसको निकाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया है। ये देखिए चौड़ाई में जो है उसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है और ये चौड़ाई में 14 इंच है और लंबाई में 44 इंच। अब मैं यहाँ पर ऊपर एक लाइन डालते हुए इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ से 2 इंच बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगी। अब इन पॉइंट्स को सीधा करेंगे। यहां से पूरा हम जो आपका ट्राउजर का पैंट का जो लेंथ होगा यहां से हम मार्क करेंगे प्रॉपर। मुझे 38 इंच का चाहिए तो मैंने यहाँ पर 38 इंच पे एक मार्क करके उसको सीधा कर लिया। अब उसके नीचे यहाँ पर 1.5 इंच मैं मार्क करूँगी नीचे फोल्डिंग के लिए। अब ऊपर की ओर यहाँ पर हिप का 4th पार्ट लेंगे, +2 करेंगे हम यहाँ पे। और ये देखिए मैंने हिप का 4th पार्ट लिया, फिर वहां से +2 करते हुए मार्क कर लिया। फिर वहां से 12 इंच पे एक मार्क करके यहाँ पर सीधा करेंगे और इन पॉइंट्स को सीधा लाइन डालते हुए मिलाएंगे। और ये जो हमने मार्क किया है आगे की ओर ये 2 इंच रहेगा और यहाँ पे कुछ इस तरह ये कर्व शेप में यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब नीचे की ओर जो गोलाई होगी आपको जितना चाहिए वहां पर इतना मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है और यहाँ पे आगे की ओर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। मोहरी जो होगी आपकी वो यहाँ पर मार्क करेंगे। अब ये जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग किया है वहां से ऊपर क्रॉच लेंथ का पॉइंट तक हम इस शेपर सेल से यहाँ पर एक लाइन डालेंगे। अगर आपके पास शेपर स्केल नहीं है तो नीचे से 6 to 7 इंच तक सीधा लाइन डालते हुए हम ऊपर कर्व में मार्क कर लेंगे। अब इसको मैं कट कर लूंगी। अब इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे हम। जैसे हमने ये फैब्रिक को उल्टा ही रखा हुआ था तो सिर्फ यहाँ पर 2 फैब्रिक को यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह एक के ऊपर एक ही ये रहेगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम सेट करेंगे। फिर ये जो कॉर्नर होंगे जो क्रॉच लेंथ बेल्ट से हमने क्रॉच लेंथ तक जो लाइन डाली है ये देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और बूट की सिलाई भी डाल दी है। बूट की सिलाई जो होगी मार्जिन को एक तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्टिच करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद नीचे की ओर मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लूंगी और ये जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था कुछ इस तरह 1/2 इंच पहले मोड़ेंगे, फिर उसको उठाते हुए जो लाइन हमने डाली थी वहां पर इसको रखेंगे, फिर इसके ऊपर एक अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी मैं यहाँ पर स्टिच कर लूंगी। इनको स्टिच करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर बीच का जो मार्जिन है इसको भी अटैच कर लेंगे दोनों पैरों में। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और ऊपर की ओर बेल्ट बनाएंगे हम। यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए पहले 1/2 इंच हम मोड़ेंगे, फिर इसको उठाते हुए ये जो हमने लाइन डाली हुई है 2 इंच की वहां पे इसको रखेंगे कुछ इस तरह, फिर यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह। आप रखते हुए इलास्टिक को अंदर भी डालते हुए भी इसको अटैच कर सकते हो या फिर कुछ इस तरह
ये देखिए हाफ इंच हम इलास्टिक को रखते हुए फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये इलास्टिक को मैं अंदर को रखते हुए किस तरह यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये देखिए पहले मैंने एक के ऊपर एक रखते हुए इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर लिया है। अब इसको जो है फैब्रिक को हम बेल्ट में यहाँ पर कुछ इस तरह रखेंगे। पहले हाफ इंच हम मोड़ेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह ये बेल्ट जहां पे हमने लाइन डाली थी उसके नीचे इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पे रखते हुए हाफ इंच हम यहाँ पर अंदर की ओर मुड़ते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ जब हम स्टिच करेंगे इलास्टिक को बिल्कुल भी स्टिच नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने इलास्टिक जो है जो कमर का साइज होगा उसका, मेरा जो कमर का साइज है 34 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच कम लिया है, मतलब यहाँ पे मैंने इलास्टिक को 30 इंच में लिया है। आपका जितना भी वेस्ट लाइन हो वो उसका हिसाब से आप यहाँ पर उसको 4 इंच कम लेते हुए इलास्टिक को अटैच कर सकते हो। इसी तरह मैंने हाफ इंच अंदर की ओर मोड़ते हुए इसको पूरा बेल्ट जो है इलास्टिक को अंदर रखते हुए ही स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब जो इलास्टिक को थोड़ा रह गया है तो इसीलिए फैब्रिक को हम खींचते हुए इसको बेल्ट अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करते समय हमेशा इलास्टिक को अच्छे से खींचते हुए फैब्रिक को एक तरफ करते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, वरना झोल वगैरह आ सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह ये फिनिशिंग के साथ मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसको जो है इलास्टिक को अच्छे से इस तरह स्प्रेड करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह, कहीं से भी ये कम ज़्यादा फैब्रिक ना हो इसीलिए इक्वली यहाँ पर हम इसको रखेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पर बेल्ट को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके इलास्टिक के ऊपर भी हम स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को स्टिच करते समय ऊपर से एक हाथ को हम अच्छे से खींचते हुए नीचे वाला भी इसको खींचते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह स्टिच करने से फैब्रिक एकदम बराबर आ जाएगा, इलास्टिक को यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए एक वाला तो हो गया है, अब दूसरे वाला भी उसके ऊपर मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह दो लाइन मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इलास्टिक के ऊपर। इस तरह मैंने इस ट्राउजर को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर स्टिच करके बताया है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर एक लाइक करें। मेरे चैनल पे मैं हमेशा साड़ी रियूज आइडियाज की कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।